मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की 2022 की मेंस एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट है। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर वन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये कुछ उसका शेड्यूल है। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो है, समय 3 घंटे दिए जाएंगे इस पेपर को लिखने के लिए। टोटल मार्क्स 300 है। दो सेक्शन में क्वेश्चन पेपर बटा रहता है, सेक्शन ए 150 मार्क्स का और सेक्शन बी 150 मार्क्स का। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में जो है, पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में देना है। अर्थात कि 15 से 20 शब्दों में हमें, यानी कि एक लाइन में हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करना होता है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो 45 नंबर का हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या है, सौदायिक एवं असौदायिक से क्या तात्पर्य है। 2 में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। हाउ मेनी संघ राज्य आर मेंशन्ड इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता के किन्हीं 2 स्थलों का नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश में इसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ही आलमगीरपुर है जो कि सबसे ईस्टर्न पार्ट है या ईस्टर्न साइड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसको कि हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 स्थलों के नाम लिखने हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर भी हम लोग अदर वीडियो में एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, खिलाफत का अंत किस मंगोल शासक ने किया और कब। विच मंगोल रूलर इंडेड द खिलाफत एंड वेन। खिलाफत जो खलीफा का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश इस क्वेश्चन में की गई है कि जो खलीफा का कॉन्सेप्ट था उसको किसने खत्म किया। मुगल काल में कबूलियत क्या होते थे। सिद्ध साहित्य परंपरा से क्या तात्पर्य है। पोलीगर विद्रोह कब और कहां हुआ, तो विद्रोह कब यानी कि किस डेट में और कहां, डायरेक्ट इसका हमें आंसर लिखना है। मैं अलग वीडियो में इन सबका आंसर लिखकर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि यह हमें पता चलेगा कि हमें आंसर में कितना लिखना होता है अपने आंसर बुक पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देसी रियासतों के प्रति प्रथम बार अपनी नीति कब और किस अधिवेशन में घोषित की। वेन एंड इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर इट्स पॉलिसी टुवार्ड्स द प्रिंसेसली एस्टेट्स। तेभागा आंदोलन कब और कहां हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था और ये बंगाल में हुआ था। भीमबेटका को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है 1 मिनट का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जिन जिन वीडियो को मैंने बनाया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगा। कलचुरी कालिंग 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया। राजा भोज द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम लिखिए। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना कहां एवं किसके द्वारा की गई थी। ठगी का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने कब किया था। कैप्टन स्लीमैन ने किया था, ये 1833 के आसपास किया था, 1833 के आसपास किया था। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 1833 से बेहतर होगा कि 1830 के दशक में, 1830 के दशक में ठगी का समापन हुआ था जब विलियम बेंटिक का शासनकाल, जब विलियम बेंटिक जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था उस समय, और विलियम बेंटिक ही 1835 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो 1833 में वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था विलियम बेंटिक। बाइजाबाई का संबंध किस राजघराने से है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, जिसके कि 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें देना है और शब्द सीमा 50 है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह टोटल जो मार्क्स है वो 50 नंबर का हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अशोक के गुहा लेख पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट इन शॉर्ट अबाउट केव एडिक्ट ऑफ अशोक। संगम युगनी संस्कृति एवं समाज के विषय में लिखिए। बलबन के तुर्की अमीरों के दमन की समस्या पर लिखिए। सूफी शब्द को समझाइए, सूफी क्या होता है इसके बारे में बताना है। मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त में हमें लिखना है। 1921 में जो मालाबार तट है, ये जो पोर्शन है अपना मालाबार तट है, केरल का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है, यहीं पर मोपला विद्रोह हुआ था। इसका बैकग्राउंड हमें बताना है। जमींदारों के प्रति
जो मुस्लिम समुदाय था, मोपला जो है ये मुस्लिम समुदाय है, इसने जमींदारों के विरोध में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दादाभाई नौरोजी की ब्रिटिश नीति के बारे में संक्षेप में लिखिए, राइट इन ब्रीफ ऑन द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ दादाभाई नौरोजी। गोदना के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए, क्योंकि गोदना जो है हमारे मध्य प्रदेश में ट्राइबल पीपल के लिए एक तरह से कल्चर है, तो गोदना के डिफरेंट जो टाइप होते हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। वैराइटीज ऑफ गोदना, चरण पादुका मेला, शहीद मेला पर संक्षिप्त में हमें लिखना है, राष्ट्रकूट वंश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, गोंडवाना कालीन मध्य प्रदेश के बारे में लिखिए, राइट अबाउट मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द गोंडवाना पीरियड। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर 5 प्रश्न है जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए 11 नंबर दिए जाएंगे और शब्द सीमा इनका 2 मार्क्स है। इस तरह से इन 5 क्वेश्चन का आंसर लिखने से हमें 55 मार्क्स मिलेगा और यहीं पर हमारा सेक्शन 1 जो है वो समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 1 जो है वो 45 नंबर का, सेक्शन 2 जो है 50 नंबर का और सेक्शन 3 जो है 55 नंबर का। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है 150 मार्क्स का। अब हम लोग 5 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का, नालंदा विहार पर एक लेख लिखिए, यहां पर नालंदा विहार के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है या फिर पल्लव कालीन कला पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर हर एक क्वेश्चन में हमें और देखने को मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में और देखने को मिलेगा। शिवाजी के राजनीतिक आदर्श क्या थे, वर्णन कीजिए, व्हाट वर द पॉलिटिकल आइडियल्स ऑफ शिवाजी, एक्सप्लेन, या फिर भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू कोड बिल पर लेख लिखें या फिर सांची क्यों प्रसिद्ध है, वर्णन कीजिए, जंगल सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए अथवा रियासतों के भारत में विलय की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में महाराजा वेंकट रमन सिंह के प्रशासनिक सुधारों के विषय में लिखिए या फिर अवंती बाई की स्वाधीनता आंदोलन में क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ अवंती बाई इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया जो कि हिस्ट्री का पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सेक्शन बी के स्टार्ट होंगे। ये जो सेक्शन बी है ये जियोग्राफी का पोर्शन है, ये भी 150 मार्क्स का है। सेम जिस तरह से पैटर्न हिस्ट्री वाला है उसी तरह से पैटर्न यहाँ दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये टोटल जो है 45 मार्क्स का हो जाएगा, दूसरा 50 मार्क्स का और तीसरा जो है 55 मार्क्स का। इस तरह से जब ऐड करेंगे इन सबको तो हमारा 150 मार्क्स का ये सेक्शन बी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें 15 से 20 शब्दों में लिखना है और इनके हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर दिए जाएंगे। जैसे प्रश्न 1 का 1 जो है, आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, आल्प्स माउंटेन के बारे में पूछा गया है कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो आल्प्स जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। यहां पर आल्प्स के बारे में पूछा गया है, आल्प्स माउंटेन। जागृत ज्वालामुखी के 3 उदाहरण दीजिए, राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वॉल्केनोस। भूमध्यरेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है, इक्विटोरियल रीजन में पूछा गया है रेनफॉल किस तरह से होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों का नाम एवं स्थिति बताइए, जिसमें चेरापूंजी आ जाएगा, मौसिन रम आ जाएगा, वेस्टर्न घाट आ जाएगा। ये 3-4 जो है नाम और उनका लोकेशन डायरेक्ट हमें इसको करना है क्योंकि हमें 20 वर्ड से ज्यादा इनके आंसर में नहीं खर्च करने हैं। 5 में पूछा गया है, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स। भारत में तांबा भंडार वाले 3 प्रमुख राज्य कौन है, 3 स्टेट हैव मेजर रिजर्व्स ऑफ कॉपर्स इन इंडिया। तो क्रोनोलॉजीज में करना है, सबसे पहले राजस्थान होगा, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, इस तरह से हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश के वनों के 3 प्रकार लिखिए, राइट 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, वेयर इज कन्हान वैली कोल एरिया लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के 2 जिलों के नाम लिखिए जहां पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के पुनर्भरण की प्रमुख 3 स्रोत क्या है, व्हाट आर द 3 प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 11, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका ये क्या है, इसका फुल फॉर्म देते हुए, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ही थ्रू जो 2005 में आया था उसी के बारे में हमें बताना है। आपदाओं के समय संचार के वैकल्पिक साधन क्या हैं, सुदूर संवेदन में कितने प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर इन रिमोट सेंसिंग। भू स्थैतिक उपग्रहों की ऊंचाई एवं गति लिखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं
यदि इसको प्रिस्क्राइब में हम लोग लिखें तो 35,786 किलोमीटर ऊपर हमें देखने को मिलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सर्वप्रथम कहां विकसित किया गया था, जीपीएस के बारे में हमें पूछा गया है। वैसे जीपीएस जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर टू, यहां पर क्वेश्चन नंबर टू में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे जिनका कि 50 शब्दों में उत्तर देना है हर एक प्रश्न को, और यहां पर 5 नंबर दिए जाएंगे हर एक प्रश्न के लिए। जैसे प्रश्न 1 है, तिब्बत के पठार पर लघु टिप्पणी लिखिए, भूकंपीय तरंगों के प्रकार लिखिए, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स के बारे में पूछा गया है, जेट स्ट्रीम क्या है स्पष्ट कीजिए, भारत में मिट्टी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, 8 प्रमुख प्रकार जो है ICAR जो है ये कैटेगराइज करता है उनके बारे में हमें लिखना है नाम, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हमें लिख देना है। जैसे कि अलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में देखने को मिलती है, सेकेंड नंबर पर रेड सॉइल है, थर्ड नंबर पर ब्लैक सॉइल है एरिया वाइज में। तो इस तरह से हम इसका क्रोनोलॉजी भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्याओं पर एक लघु टिप्पणी लिखी है, राइट और शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स का संक्षिप्त विवरण दीजिए, महामारी COVID-19 पर संक्षिप्त लेख लिखिए, सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड बाई सेफ कंस्ट्रक्शन, सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय विकिरण का महत्व उदाहरण सहित समझाइए, और GIS में कंप्यूटर के महत्व को समझाइए। ये 10 क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे जिनको 200 शब्दों में अधिकतम लिखने की कोशिश करनी है, और हर एक क्वेश्चन के लिए 11 नंबर दिए जाएंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वालामुखी क्या है, विश्व में ज्वालामुखियों का वितरण समझाइए, व्हाट इज वॉल्केनो, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस इन वर्ल्ड। इसमें हम रिंग ऑफ फायर, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसका एग्जाम्पल देंगे, अदर जो लोकेशन है उनका एग्जाम्पल देंगे, और पूरे विश्व का मैप बनाते हुए इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना होगा। अथवा चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमें बताना है, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताना है। यहां पर और हर एक क्वेश्चन में देखने को हमें मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है, इसमें भारत के उत्तरी मैदान की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए, डिस्क्राइब द मेन जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो फिजियो जियोग्राफी कैटेगरी है इंडिया का, वो 6 कैटेगरी हमने किया है, जिसमें से कि एक कैटेगरी नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है। अब हमें नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स में बताना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रवास क्या है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास के प्रभावों की व्याख्या कीजिए, माइग्रेशन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण एवं वितरण को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश। अथवा मालवा पठार की भौगोलिक विशेषताओं का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पेयजल में अशुद्धियों के प्रमुख स्रोत क्या है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मानव जनित आपदाओं को भोपाल गैस दुर्घटना के उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में दिया हुआ है कि डिस्क्राइब मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर जो है वो दो तरह से होते हैं, एक मैनमेड होता है, नेचुरल होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा भोपाल गैस दुर्घटना था जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है गैस बाहर निकली थी, वो किस तरह से मानव जनित आपदा थी उसको हमें उदाहरण सहित इसमें डिस्क्राइब करना है, इसको एग्जाम्पल लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रमुख तत्व प्रक्रियाओं एवं अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अथवा जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के उपयोगों लाभों एवं सीमाओं का विवरण कीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द यूजेस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये जनरल स्टडी, चूंकि जनरल स्टडी के ही पेपर्स होते हैं, ये पेपर फर्स्ट जो है जिसमें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, हमने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज 2022 मुख्य परीक्षा की हमने क्वेश्चन पेपर देखा।